नहीं, इधर जो ना फिक्स है, और इधर जो ना वो रोलर लगा हुआ, इधर भी रोल लगाओ। तो आपके पास क्वेश्चन है कि भी आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दे, आप शेयर फोर्स डायग्राम बना ले सीन, तो अब के पास सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है, मगर स्टेप वाइज जाते हैं, तो बताएं कि इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या है। 1 सर। हाँ, पहले हम देखते हैं इसमें कितने जो ना नोड्स हैं। तो अगर हमने नोड्स को देखते तो इसमें आपके पास वन, टू एंड थ्री, तीन। आपके पास टोटल इसमें तीन नोड्स हैं। हर नोड पे अगर हम देखते हैं कि भी अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके पास जीरो है, यहाँ पे आपके पास थीटा भी है, तो यहाँ पे आपके पास थीटा सी है। तो इसके जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है ना, वो आपके पास थ्री है। तो टोटल इसकी काइनेमेटिक, सॉरी, टू है, थीटा बी एंड थीटा सी। तो आपके पास टोटल इसकी टू काइनेटिक इंडिटरमिनेसी है, थीटा बी एंड थीटा सी। सेकंड स्टेप होता है इसमें आप की मोमेंट डिफाइन करते हैं, तो बताएं कहाँ कहाँ पे मोमेंट आएगा इधर। जी, कितने मोमेंट्स आएंगे यहाँ पे? एक ए पर आएगा एक मोमेंट, और एक बी सेक्शन को काट दे तो दो या नहीं सी पे आएगा। सर, सी पर मोमेंट नहीं है। मैंने दो कंडीशन बताई थी जहाँ पे आपके पास मोमेंट जीरो होता है। एक ये कि आपके पास एंड पे पिन या रोलर आ जाए, जिस तरह यहाँ पे रोलर आ गया, सही है ना। दूसरे एक यस इंटरनल सर। इंज आ जाए। ये दो कंडीशन है जहाँ पर आपके पास जो है ना मोमेंट जीरो के इक्वल है। तो क्योंकि हमारे पास एंड पे ये रोलर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा मूवमेंट नहीं होगा। तो आपके पास इसकी टोटल काइनेटिक इनर्जी जो है ना वो टू है, सॉरी, इसकी जो है ना मूवमेंट जो है ना कहाँ कहाँ पे आएंगे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा, इसको नाम देते हैं हम MAB। इधर दो मूवमेंट्स आएंगे इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में, सब कॉम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये होगा आपके पास एम बी और यहाँ पे एम छोड़ बी, यहाँ पे मूवमेंट नहीं आ जाएगा। तो टोटल आपके पास तीन मूवमेंट्स हैं, तीन MAB, MBA और NMBC। ये दोनों, इन दोनों का सबमिशन जो है ना वो जीरो के इक्वल हो। तो आप बताएं कि MAB के लिए कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, वन आर टू पास के भी कहाँ कहाँ पे आपके पास मूवमेंट के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास जो MAB है, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर वन यूज करेंगे। उसकी वजह क्या है कि भी दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा है, पेन के दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन यूज होगी और इधर भी इक्वेशन नंबर वन यूज होगी। क्योंकि इस वाले स्पैन में सिर्फ एक साइड पे मूवमेंट आ रहा है, दूसरा तरफ रोलर है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू यूज होगी। ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर वन है और नीचे वाली इक्वेशन नंबर टू, सही
सही है ना, हमने ये यूज करनी है, हमने हर हर मोमेंट्स निकालना है। मगर इसमें हमारे पास एक एफ ई एम है, फिक्स एंड मोमेंट, ये निकालने की होती है ज़रूरत। सबसे पहले हम वो निकालते हैं, उसके लिए हम टेबल देखेंगे। अच्छा, एम ए बी के लिए और एम बी ए के लिए हम जो ना कॉलम नंबर वन चेक करेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर वन यूज़ करेंगे। अगर एम बी सी के लिए हम कॉलम नंबर टू चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर टू यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम पहले एम ए बी के लिए वो देखते हैं टेबल। दूसरे का भी देख लेते हो साथ ही। ये टेबल आपके पास ही है ना। तो पहले वाले में यूनिफॉर्म लोडिंग थी ये ना, तो बताएं कौन से वाले में यूनिफॉर्म लोडिंग आ रही है। जी कौन बताएगा? बसीर अब्बास आपका सी आर असित मुनीर जी सर, ये फोर्थ वाला सर। यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए कौन सा वाला चीज होगा? पांच नंबर यूज होगा ना आपके पास। पहला वाला इसमें दोनों साइड में मूवमेंट आ रहा है, सही ना, तो हम जो ना ये फिफ्थ वाला यूज करेंगे, यूनिफॉर्म लोडिंग है। जबकि आपके पास जो दूसरा स्पैन था उसमें आपके पास बीच में पॉइंट लोड था, सही है ना, और एक तरफ मूवमेंट था, तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास ए बी है वो है ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12 एंटी क्लॉकवाइज, और ये है ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12 क्लॉकवाइज। और इधर देखें तो आपके पास जो साइड वाला मोमेंट है, क्योंकि एक साइड पे तो आपके पास रोलर था या पिन आ जाता है, उधर मोमेंट नहीं होता, सिर्फ एक फिक्स एंड पे आता है। तो इधर आपके पास 3PL/16 है, सही है ना, 3PL/16 और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अपना सवाल के लिए फार्मूले में चाहिएंगे। तो आपके पास ये फार्मूला हमने वहाँ से टेबल से लिए। तो हमारे पास जो फिक्स एंड मोमेंट ए बी है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन में हम एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव ले रहे हैं, सही है ना। तो ये आपके पास माइनस ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। ओमेगा आपके पास क्या है? 2, सही है ना, और लेंथ आपके पास क्या है? 24। तो आपके पास माइनस 96 फीट हो गया। फिर हमारे पास जो बी ए है वो आपके पास क्लॉकवाइज टेबल में था, तो वो ओमेगा स्क्वायर बाय 12 है, सही ना। ओमेगा आपके पास 2 है जो ना, 2 किप्स पर फुट, और ये आपके पास 12 और लेंथ आपके पास 24, तो ये आपके पास प्लस 96 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दूसरा वाली दूसरी स्पैन के लिए जो हमने फार्मूला देखा था टेबल में फिक्सर मूवमेंट के लिए, वो आया था माइनस 3PL/16, सही ना, एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए हमने माइनस लाट लिखा हुआ। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आई वो माइनस 18 आ गई। हमने सिंपल अब फार्मूले में पुट करना जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के फार्मूले थे। तो एम ए बी के लिए और एम बी के लिए हम इक्वेशन नंबर वन यूज़ करेंगे, सही है ना। तो आपके पास 2EI/L 2θn प्लस θf माइनस 3ψ प्लस फिक्सड मोमेंट, ये आपके पास फार्मूला है। तो आपके पास 2EI/L L आपके पास 24 है, ई आई को फिलहाल इसी तरह रहने देते। नियर एंड पे आपके पास जो है ना, अब आपके पास ये जो है ना, ये एन है नियर एंड, और बी आपके पास क्या है? ये फार एंड। तो हमारे पास जो ए पे है, अगर हम ए को देखते तो ये फिक्स है यहाँ पर, सही है। तो ये फिक्स होगा तो यहाँ पे रोटेशन क्या होगी? 0 होगी आपके पास, यहाँ पे थीटा 0 होगा। तो इसलिए हमने जो आपके पास जो थीटा एन होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। थीटा बी आपके पास रोलर है, तो वहाँ पे जो थीटा आएगा जो हमने काइनेटिक एनर्जी के दौरान भी निकाला था, तो थीटा बी होगा। 3ψ आपके पास 0 है, क्योंकि आपके पास सेटलमेंट वगैरह नहीं आई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसका क्वेश्चन करेंगे तो उसकी फिर वैल्यू आएगी। और फिक्स एयर मूवमेंट ए बी की जो ली आएगी तो हमारे पास माइनस 96 आई थी। तो इस तरह आपके पास ये मूवमेंट ए बी के लिए फार्मूला आ गया, इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। फिर हम एम बी ए के लिए निकालते हैं, उसके लिए भी ये फार्मूला हो जाएगा 2EI/L, मगर यहाँ पे अब थीटा एन जो है ना वो आपके पास बी पॉइंट हो गया।
और ये आपके पास फार एंड हो जाएगा। तो हमारे पास फार एंड पे जीरो थीटा है क्योंकि ए फिक्स है और बी आपके पास रोलर के यहाँ पे थीटा आएगा। तो टी टू आई ओवर एल इंटू टू थीटा एन प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस 96 यहाँ पे जो फिक्सर मोमेंट है। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब हम जो ना एम बी सी निकालते हैं, इसके लिए जो ना हम इक्वेशन नंबर वन यूज़ करेंगे क्योंकि आपके पास इसके सिर्फ एक साइड पर मोमेंट आ रहा था। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है थ्री ई आई ओवर एल थीटा एन, ये के जो होता है आई ओवर एल के इक्वल होता है, माइनस आई प्लस फिक्सर मोमेंट। तो हमारे पास बी सी के लिए ये नियर एंड होगा और ये फार एंड होगा, सही है ना। तो आपके पास टू ई आई ओवर एल लेंथ, आपके पास दूसरे स्पैन के एट है, थीटा एन आपके पास बी हो जाएगा, बी पे थीटा बन रहा है, ये आपके पास सेटलमेंट के वक्त है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ पे फिक्सर मोमेंट माइनस 18 आई थी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री होगी। अब बताएं कि ये तीन इक्वेशन हैं, इनमें से अननोन्स कितने हैं जी? अदील खान सर, अदील हाँ बताओ कि कितने अननोन्स हैं इन तीन इक्वेशंस में? चार सर। सर चार है, एम ए बी एम बी ए और डेल्टा बी और एम बी सी। वेरी गुड। एक है एम ए बी आपके पास, एम बी ए, एम बी सी, ये तो तीन मोमेंट्स अननोन। इसके अलावा आपके पास एक जो है थीटा बी अननोन है, थीटा बी। तो इसका मतलब है कि तीन इक्वेशन है और हमारे पास चार अननोन है, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हमें चाहिए ताकि हम इस बीम को सॉल्व कर सकें। तो बताएं वो इक्वेशन कहाँ से आएगी? बी से सर, जो रोलर लगा था बी। हाँ, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ अभी कि इंटरनल जितने भी रोलर होता है उस पर मोमेंट की जो समीशन होती है ना वो जीरो होती है। तो यहाँ पे जो दोनों मोमेंट्स आ रहे होंगे उनको अगर हम सम करेंगे तो वो जीरो के इक्वल होंगे। तो हम इंटरनल रोलर बी को ले लेते हैं, ठीक है। तो बी पे आपके पास इस तरफ जो लग रहा था वो एम बी ए लग रहा था, इस तरफ लग रहा था वो एम बी सी लग रहा था। इन सबको पॉजिटिव रखते हैं, यहाँ पे जो मोमेंट की समीशन होगी ना वो जीरो के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास हम सिंपल हमने इक्वेशन पुट कर देनी है एम बी ए की, ये इक्वेशन पुट करेंगे और आपके पास बी सी की इक्वेशन पुट करेंगे। तो जब ये आप पुट करेंगे तो इन दोनों को आप सम कर लेंगे और इन दोनों को भी सम कर लेंगे आप, ठीक है। तो आप इसे थीटा भी आराम से निकाल सकते हैं। तो हम ई आई थीटा भी को अगर निकालते, थीटा भी आपके पास ई को इसी तरह, तो आपके पास वो माइनस 144 डिवाइड बाई ई आई बन जाएगा, सही है ना। यहाँ तक आई समझ? सिंपल हमने इक्वेशंस पुट किए हैं जी। किसी को यहाँ तक डाउट हो कोई? सिंपल हमने ये जो क्या कहते हैं ये इक्वेशंस थी, आपके पास बी ए और ये बी सी है, इनको वहाँ पे पुट किया, इन दोनों में से फेक या नॉन है थीटा बी, ठीक है। तो आपके पास इनसे डायरेक्ट थीटा बी आ जाएगा। अब थीटा बी को हमने सिंपल इन वन टू थ्री इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एम ए बी के लिए भी वैल्यू आ जाएगी, इतनी आई या यहाँ से कट जाता रहेगा, एम ए बी के लिए भी आ जाएगी, एम बी ए के लिए भी आ जाएगी और एम बी सी के लिए भी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गए। इनमें अगर हम देखें एम ए बी और एम बी सी को, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए हमने हमें क्वेश्चन सही किया, सही है ना। सबको बुक नजर आ रही? हाँ जी यस सर आ रही है। वहाँ पे सॉरी पूरा क्वेश्चन नहीं था। तो आपके पास हमने यहाँ तक सवाल कर लिया था, यहाँ तक किया था, ठीक है ना, हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें रिएक्शन निकाल। अब आपके पास एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। अब आपके पास ये मोमेंट्स आ गए, ये मोमेंट भी आ गया आपके पास, ये बीच वाले दो जो बी पे आते हैं वो भी आ गए। तो आपके पास अब टोटल जो अननोन्स रह गए वो 1 2 3 4 5 6, सही है ना, 1 2 3 4 5 6
फोर तीन और आपके पास तीन सिक्स इक्वेशन है, तो इसको हम सिंपल आराम से कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्पैन लिया आपके पास, ये मूवमेंट्स दोनों साइड पे आ गए, तो किसी भी एक पॉइंट पे हम जो है ना मूवमेंट ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मूवमेंट ले लेते हैं तो हम मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट ए पे, अगर मोमेंट ले लेते हैं सेम इस पे ए पे या बी पे मोमेंट ले लेते हैं, या जो यूनिफॉर्म लोडिंग है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, 2 × 24 कर दिया, तो आपके पास बी पे अगर मोमेंट लेते हैं एम बी इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास बी पे सबसे पहले जो मोमेंट लग रहा है वो 72 है क्लॉकवाइज, तो आपके पास हमने क्लॉक वाइज पॉजिटिव लिया तो 72 आ जाएगा। फिर आपके पास 48 यूनिफॉर्म लोडिंग थी 2 × 24 किया, तो उसके भी आपके पास एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, तो -2 × 24 48 बना जो दिखाई दे रहा है, × 12 मोमेंट आर्म। फिर आपके पास यहाँ पे मोमेंट आ रहा है एंटी क्लॉक वाइज -108, फिर यहाँ पे आपके पास कोई रिएक्शन होगा जिन्होंने उसका हम वी ए का नाम दिया है, तो ये आपके पास प्लस क्लॉक वाइज आ रहा है प्लस वी ए इंटू 24 डिस्टेंस है, तो इसे आपके पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वी ए 25.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कर लेंगे, आपके पास बी ए जो है ना 25.5 आया। फिर उसके बाद आपके पास जो यूनिफॉर्म लोडिंग थी माइनस में होगा 2 × 24 48 नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे प्लस, अब बी पे आपके पास दो शेयर फोर्स आ रहे हैं, एक इस स्पैन से भी आ रहा है दूसरे स्पैन से, तो हम दोनों को मतलब वी बी लेफ्ट साइड और एक वी बी राइट साइड ले लेते हैं, वी बी लेफ्ट साइड इन इज इक्वल टू जीरो, जैसे आपके पास वी बी लेफ्ट साइड आ जाएगा, वो क्या आ गया 22.5। यहाँ तक आई समझ, किसका निकाले रिएक्शन जी? सयाम यूनुस जी सर, समझ आया किस तरह रिएक्शन निकाले? सर आ गया जी। जी मैं कह रहा हूँ समझ आए किस तरह रिएक्शन निकाला है? यस सर, यस सर आ गया। अब हमने स्पैन जो है ना वो बी सी ले लेना है, फिर उसी तरह भी हम बी पे मूवमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले ये बी पे आपने मोमेंट लिया तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मोमेंट आ रहा था 72 एंटी क्लॉक वाइज, तो -72 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लोड था 2, तो 2 × 4 आ जाएगा, या इसका जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो क्लॉक वाइज होगी, तो +12 × 4। यहाँ पे आपके पास सी वाई है, इसकी फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऊपर है, अभी फिलहाल हमें नहीं पता, तो आपके पास ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज होगा, -CY × डिस्टेंस है आपके पास 8 = 0, तो आपके पास जो सी वाई आ जाएगा वो आ जाएगा -3, तो अब इसका मतलब है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिर हम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे वी बी आर होगा इन्हें जो राइट साइड पे है, फिर उसके बाद -12 है, फिर -3 है इक्वल टू जीरो, वी बी आर आ जाएगा आपके पास राइट साइड 15, तो आपके पास ये टोटल बी वाई जो है ना वो कितना बन जाएगा, आपके पास वो बन जाएगी यहाँ से 22.5 आ रहा था और वहाँ से 15 आ रहा था, तो ये आपके पास बन जाएगा 37.5। अब ये आपके पास सारे रिएक्शन लगे, अब हमने सिर्फ शेयर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, सही है ना? सबसे पहले हम अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना चाहते हैं वैसे वो गाइडलाइन मिल गई है, ये आदि सी फुल राइट टू
तो आपके पास सबसे पहले हम बीम बनाते हैं जो आपके पास आई है। ये आपके पास बीम थी, यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे आपके पास रोलर था, यहाँ पे भी आपके पास रोलर। यहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्म लोडिंग थी, टू किप्स पर फीट। यहाँ पे आपके पास पॉइंट टोड था 12। जो रिएक्शन आए थे आपके पास, यहाँ पे आपके पास 25.55 था। यहाँ पे आपके पास आया था 37.5 और यहाँ पे आया था आपके पास 3-3 ठीक है ना। तो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहे 25.5 सही है ना। तो हम 25.5 के आगे ऊपर गए, 25.5 हम ऊपर गए। फिर उसके बाद आपके पास यूनिफॉर्म लोडिंग है, यूनिफॉर्म लोडिंग है तो आपके पास 25.5 - 2 × डिस्टेंस आपके पास 24 है, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया -22.5। तो हम फिर क्या गया 22.5 तक गए इंक्लाइंड। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है 37.5, तो हम क्या करेंगे -22.5 के ऊपर से -+37.5 तो आपके पास आंसर आएगा 15। तो फिर हम 15 तक ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास कोई लोड नहीं जाएगा तो हम इसी तरह जाएंगे। फिर उसके बाद -12 लग रहा है आपके पास तो 15-12 तो आपके पास 3 आ गया। फिर आपके पास ये आप आए डाउन 3 तक, फिर कोई लोडिंग नहीं है, फिर आपके पास डाउनवर्ड 3 लग रहा था, फिर वापस 0 पे आ जाएंगे आप। आगे शेयर फुल डायग्राम समझ सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लोड लग रहा है, मूवमेंट आ रहा है वो है -108, तो इसका मतलब है हम माइनस में जाएंगे 108 तक, ठीक है ना, -108 तक। अब हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये आपके पास हो जाएगा 24-x।
फाउ के पास इरफान से वाय कि नहीं नहीं डेली वाय फॉर लेब इंजीनियर नहीं नहीं छुट्टी का छुट्टी का फाउ के पास ये जो है ना क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है ताऊ के पास x बाय 25.5 अप्लाई किया उसने छुट्टी के लिए बिल्कुल 24 माइनस x डिवाइडेड बाय 22.5 यहाँ पे आपके x की क्या वैल्यू आएगी आएगी किसी के पास कैलकुलेटर जी कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा मैं खुद ही बिल्कुल करता हूँ ये आपके पास आता है 12.75 ये वाला डिस्टेंस 12.75 वही कितना रह जाएगा 11.25 तो अब हम इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो सिंपल सबसे पहले 108 माइनस में जा रहा है तो हम माइनस में गए डाउनवर्ड फिर उसके बाद हमारे पास ये ट्रायंगल का एरिया हम इसमें प्लस करेंगे क्योंकि आपके पास एरिया प्लस में आ रहा है तो -108 बेंडिंग मोमेंट के लिए 8 प्लस एरिया एरिया क्या होता है 0.51/2.5 इंटू 25.5 इंटू 12.75 तो ये आपके पास आ जाएगा 54.6 अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं सही है ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के एक तो ये कि भी हम इस तरह का रूप बनाएंगे हम या फिर इस तरह का रूप बनाएंगे बताएं कौन सी वाली कर्व क्यों नीचे वाली की ऊपर वाली क्यों बनाइए को कोई बता सकता है देखिए यहाँ पे आपके पास शेयर फोर्स है मैक्सिमम तो यहाँ पे हम पहले वर्टिकल लाइन लगा लेंगे ये शेयर आपके पास है मैक्सिमम तो यहाँ पे आपके पास स्लोप भी मैक्सिमम होगा नया खारी नहीं सर वो मतलब आज नहीं है कब लेंगे वो दाऊद साहब के पास है ना आपकी लैब हाँ वो स्टार्ट है वो उनको उनको मैं कहता हूँ ना वो आप बीच में वैसे मेडिकल करवाना वो आ जाएगा सेक्शन ए जी सर हाँ जी कितना टिकल क्लास सर मैं तो खुद नहीं आया था मैंने टेक्स्ट किया था वो सारे कह रहे हैं कि हम निकाल आए नहीं आ जाएंगे जी सर उसके बाद सर की क्लास है नहीं अभी मेरी आपकी प्रोबेबिलिटी की है फिर उसके बाद सर ठीक है मैं घर आऊँगा यहाँ पे आपके पास क्योंकि शेयर फोर जीरो है तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हो जाएगा सीन और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा तो आपके पास जो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो फिर क्योंकि आपके पास शेयर फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम है तो इसलिए आपके पास इसका कारोबार भी फिर आपने सिंपल क्या करना है जो आपके पास ये आया 54.6 से दूसरा वाला एरिया माइनस करना क्योंकि नेगेटिव में आना तो कितना आएगा 1.5 इंटू 11.525 इंटू 22.5 तो ये आपके पास आंसर आ रहा है
माइनस 72। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप नीचे से कर्व बनाए या ऊपर से। अब यहाँ पे आपके पास शेप फोर्स है जीरो, तो जहाँ पे जीरो को वहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है क्योंकि स्लोप जीरो होता है। शेप फोर यहाँ पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन बना देनी। अब आपके पास ये ऑप्शन है, अगले पेज पर कर्व बनाए। फिर उसके बाद आपके पास ये ट्राइंगल है, तो हमारे पास ऊपर वाला जो आ रहा है उसी को माइनस 72 प्लस ये है आपके पास इसकी हाइट है 15 और वेट है आपके पास 4 इज इक्वल टू माइनस 12 आ रहा है। तो हमारे पास फिर हम जो क्या जाएंगे इस तरह ही निकलाएं जाएंगे। फिर उसके बाद ये एरिया रह गया आपके पास, इसकी हाइट है 3 और लेंथ आपके पास 4, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस प्लस एरिया प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 0। हम 0 तक तो फिर